और आज मछली दुकान के अंदर महंगाई का क्या असर है और कितनी महंगाई से लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर का भी रेट बढ़ रहा है और GST भी एक महंगाई में शामिल हो गई, जिससे हर आज मछली समस्या हो रही है। आंटी जी कोरोना के बाद तो होली का क्या असर है, महंगाई का? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, महंगाई में कोई वो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा महंगाई में। ये कोरोना के बाद से और अभी इनके क्या असर है, कुछ ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई तो वैसे ही बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगाई है, सिलेंडर तो महंगा है, गैस तो महंगी है, बाकी दाल चावल तो महंगा है। बाकी मोदी आप खा रही है, कितनी मार्केट का कितनी ग्रोथ हो गई, क्योंकि आपका होगा तो 250,000 का समय महंगा, उसके बाद से कुछ रेट में खुला कुछ खुला खुला है, रेट तो बड़ी नहीं बढ़ी तो मतलब अभी इतना नहीं हो पाएंगे, बराबरी में नहीं आ पाएंगे। थैंक यू सो मच। यही बात है कि कोरोना के बाद इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि इस तबके के लोगों को यही एक त्योहारों के टाइम ही उनका जीवन उनका इतना समस्याएँ होती है।